हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनेटा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों ओनेटा जहाँ शिक्षक भर्ती को लेकर मैं आप लोगों के लिए एक और नई अपडेट लेकर के आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ मैं आप लोगों को डाटा दिखाने वाला हूँ, कुछ आंकड़े दिखाने वाला हूँ जिनके जरिए मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा, पूरी बात को समझने की कोशिश आप लोग करेंगे तो आपको 110% सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो जो मैंने इस थंबनेल के अंदर लिखा हुआ है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी गाइस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो जिससे कि आप लोगों को सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो बिल्कुल रियल चीज़ें जो आप लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो देखते दोस्तों, मैंने एक थंबनेल में आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। भ्रम में ना रहें जी हाँ दोस्तों, भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिए कि कुछ लोग तो सोचे कि कट ऑफ कम हो जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कट ऑफ कम ना हो। अच्छा, कट ऑफ कम होने से या ज़्यादा होने से क्या आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस बात पे आज मैं बात करने वाला हूँ। और क्या आचार संहिता से पहले जो परिणाम आ जाएगा या भर्ती परीक्षा पूरी हो जाएगी, जो प्रोसेस है भर्ती का वो कंप्लीट होगा कि नहीं, सारी बातें मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं कुछ आंकड़े जो आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा, पहले आप उनको समझने की कोशिश करें, उसके बाद हम सारी बातें करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे ऊपर दोस्तों मैंने लिख रखा है सीक्रेट्स ऑफ सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है, ये सीक्रेट ही है जो मैं आपको बताने आया हूँ। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा है, क्या कट ऑफ पार करने से नौकरी मिल जाएगी? बिकॉज आप लोगों को सबको ऐसा ही लगता है, तो इस पर ही सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस प्रश्न का विश्लेषण करने के सर्वप्रथम दोस्तों हम 68,569 के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो नीचे कुछ आंकड़े लिखे हुए हैं, आप उनको समझ जाएंगे, सबको सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। तो टोटल सीटों के बारे में बात की जाए दोस्तों, पिछले साल जो थी वो 68,500 थी, इस बार 69,000 है, ठीक है। जो 3% था दोस्तों 45% था, लेकिन इस बार 65% किया है, ठीक है। लोगों का कहना है कि ऑब्जेक्टिव था सर, इसलिए हो सकता है, ठीक है, उसी बात को मैं नोट करने के लिए आया हूँ कि ऑब्जेक्टिव था। और अगर उत्तीर्ण प्रतिशत 45% है ओबीसी के लिए, तो यहाँ पर जो 5% कम कर दिया गया ओबीसी का, यहाँ पर 60 कर दिया गया है, ओके। अगर हम एससी की बात की जाए तो दोस्तों वो 40% रखा है, यहाँ पर भी 60% रखा गया है। अगर दोस्तों परीक्षा का प्रकार की बात की जाए, तो जैसा कि आप लोग हर बार कहते हो सर वो रिटिन थी, ये ऑब्जेक्टिव है, बिल्कुल सही बात है, नो प्रॉब्लम, मैं आपकी बात से बिल्कुल 110% सहमत हूँ। आगे बढ़ते हैं, शामिल होने वाले दोस्तों बीटीसी थे, शिक्षा मित्र से बीएलएड थे और डीएलएड थे, ओके। आगे देखते दोस्तों, बीटीसी, शिक्षा मित्र, डीएलएड, बीएलएड तो इसमें भी है, लेकिन एक इसमें स्पेशल बीएड वाले भी इस बार शामिल हुए हैं, एक स्पेशल दोस्तों यहाँ बढ़ा दिए गए हैं। आगे देख लेते, कुल प्राप्त आवेदन की बात की जाए तो दोस्तों 125,476 आवेदन आए थे, और इस बार की अगर बात की जाए तो 431,466 आवेदन आए हैं। अगर परीक्षा देने वालों की संख्या की बात की जाए तो 107,873 दोस्तों परीक्षा दी थी लोगों ने, और इस बार की अगर बात कर लें तो 410,440 लोगों ने परीक्षा दी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पेपर में जो पास होने वाले का जो परसेंट पिछले साल जो रहा था 38.52% रहा था, लेकिन इस बार दोस्तों कहीं ना कहीं ये बढ़ जाएगा, बढ़ने का मतलब है बिकॉज इसमें ऑब्जेक्टिव है जो आप लोग कहते हैं, तो उसी पे मैं बात करूँगा, आप लोग एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जैसा कि अगर हम मान लें कि 38.52% इस बार भी रहेगा, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मैं आप लोगों को भ्रम में नहीं डालने वाला, इस बार ज़्यादा रहेगा, तो ऐसा मत सोचो, बस फिलहाल इस आंकड़े को समझने के लिए आप मान लो कि 38.52% रहेगा, वैसे तो इससे ज़्यादा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे देख लेते हैं, उत्तीर्ण होने वाले के परीक्षार्थियों की संख्या दोस्तों थी 41,556, मतलब 41,556 जो संख्या थी दोस्तों पिछली बार स्टूडेंट पास हुए थे। अगर इस बार की अगर हम बात मान लें, अगर 38.52 के अकॉर्डिंग ही मान के चल रहे हैं, वैसे ज़्यादा जाएगा लेकिन मैं मान रहा हूँ, आप लोग बात को समझ जाइएगा, तो 158,111 स्टूडेंट पास हो जाएंगे, ठीक है, वैसे ये आंकड़ा 2,00,000 के ऊपर जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जिला आवंटन के लिए प्राप्त कुल आवेदन जो थे दोस्तों वो 40,296 थे, और इस बार तो अभी हुआ नहीं है। जिला आवंटन की प्रथम सूची में दोस्तों आवंटन प्राप्त करने वाले की संख्या अगर देखी जाए तो वो 34,600 के आसपास थी, 600 ही थी आसपास, नहीं। आगे देख लेते हैं, जिला आवंटन से वंचित जो हुए थे दोस्तों 5,696 ऐसे थे जो कि वंचित हो गए थे जिला आवंटन के समय, उनको बाहर कर दिया गया, ठीक है दोस्तों, जिला आवंटन के समय उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो कुल रिक्तियाँ दोस्तों 0 रह गई, कोई रिक्ति नहीं रही। तो आगे सॉरी, कुल गिरफ्तारियों की बात हुई, रिक्तियाँ नहीं गिरफ्तारियाँ दोस्तों पिछली बार जो थी वो बिल्कुल 0 हुई हैं, और इस बार जो गिरफ्तारियाँ हुई वो टोटल 29 हुई हैं, 29 जो हुई हैं दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, एसटीएफ की रिपोर्ट के जरिए आप लोग चेक कर सकते हैं, जाकर के सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। एक वीडियो के जरिए मैंने एसटीएफ की रिपोर्ट भी दिखाई थी जिसमें मैंने आंकड़े दिखाए थे कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी नकल हुई और कितने नकलची पकड़े गई,
अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको जरूर देख लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है 5696 वंचित क्या है, क्यों रह गए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो 5696 में ज़्यादातर लोग फॉरवर्ड थे और थोड़ी संख्या में OBC भी और ओवरलैप के कारण चयन सूची से बाहर हो गए थे। SC ST की सीटें जो रिक्त थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने, इस बार कट ऑफ 45 से बढ़कर 65 कर दिया गया, फिर भी उत्तीर्ण होने वाले का प्रतिशत 38.52 मानकर चलें। ठीक है दोस्तों, इस परीक्षा में 68,500 की परीक्षा की तुलना में छात्रों का स्कोर स्तर ऊपर उठ गया है। बिल्कुल उठेगा, बिकॉज ऑब्जेक्टिव था, आप लोग ही कह रहे हो। आगे बढ़ते हैं, स्कोर बढ़ने के 4 कारण है जिससे कट ऑफ 65% किए जाने के बावजूद पास होने के वाले की प्रतिशत 38.52% से कम नहीं बल्कि ऊपर रहने के आसार हैं। बिल्कुल रहेगा, 4 कारण निम्न है दोस्तों आप लोगों के सामने। परीक्षा दोस्तों ऑब्जेक्टिव थी, आपको पता है पिछली बार रिटेन थी जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो इसमें दोस्तों जो जिसमें बर्तनी की अशुद्धियाँ भी छिप गई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गैस करने और तुक्का लगाने वाला काम भी दोस्तों इसमें फिट हो गया, तुक्का फिकेशन हमारी इसमें काम कर गई, बिकॉज उसमें तो हम तुक्का भी नहीं लगा सकते थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे आप लोगों के सामने OBC का कट ऑफ 5% कम कर दिया गया। इस संबंध में जो लोग 68,500 के लिए परीक्षा दिए थे चयनित नहीं हो पाए थे, उनसे अगर बात करें तो उनके जो 25 से 35 अंक बढ़ गए। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह हम आगे जाते हैं दोस्तों, अगर मात्र 69,000 लोग ही पास हुए तो क्या होगा, तो आगे देख लेते हैं। उत्तर करीब 12,000 से 13,000 फॉरवर्ड और 4,000 से 5,000 OBC ओवरलैपिंग के कारण दोस्तों बाहर हो जाएंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा। आगे देखते हैं, आगे पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपकी बातों पर लोगों का विश्वास कब होगा। अब इन बातों के ऊपर विश्वास जो होगा वो कब होगा दोस्तों, जब रिजल्ट आ जाएगा, या फिर कुछ लोगों को तब विश्वास होगा जब दोस्तों नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं कट ऑफ की समस्या क्या है और वह आज कहाँ पर खड़ी है, किस मोड़ पर खड़ी है, उस पर बात कर लेते हैं। कट ऑफ की समस्या 3 पक्षिकाएँ हैं जिनके अपने अपने मजबूत आधार हैं। BEd और BTC 69,000 शिक्षक भर्ती शासन आदेश बिंदु 7.2 में लिखा है कि यह परीक्षा उत्तीर्ण करना पात्रता मानदंडों के एक अर्थात उत्तीर्ण होने और परीक्षा पात्रता प्राप्त करने के लिए एक कट ऑफ अवश्य होगी। अगर हम दोस्तों दूसरा देखें तो 69,000 शिक्षक भर्ती के शासन आदेश बिंदु 20 में लिखा गया है कि परीक्षा अभ्यर्थी प्रथम मूल्यांकन के बाद सफल होंगे, उनके उत्तर पत्रकों को दोबारा मूल्यांकन कराकर ही परिणाम घोषित किया जाएगा, अर्थात सफल होने के लिए एक कट ऑफ अवश्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब शिक्षा मित्रों के बारे में बात कर लेते हैं। यह बात सही है कि पात्रता उत्तीर्ण सफल शब्द शासन आदेश में विराजमान है, किंतु विज्ञापन में कहीं नहीं है। परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए परीक्षा के पश्चात कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। विज्ञापन पात्रता की शर्त तो लगाए हुए हैं किंतु पात्रता प्रतिशत के बारे में मौन है। खेल का नियम बीच में बदलना वजह है दोस्तों। 68,500 में सरकार ने कट ऑफ को घटाकर 45 से 33 कर दिया था, किंतु न्यायालय ने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए दोस्तों आज भी 27,000 सीटें जो खाली रह गई थी, आपको पता ही होगा। सरकार विज्ञापन पात्रता प्रतिशत के बारे में मौन है, किंतु विज्ञापन जारी होने के 30 दिन प्रभासर ने समाचार पत्र और ट्विटर के द्वारा ट्वीट करके दोस्तों कट ऑफ परीक्षार्थियों को देखते हुए बाद में घोषित किया जाएगा। लेकिन बयान दोस्तों ट्वीट और विज्ञापन के अंग नहीं होते हैं, आपको पता ही, ऐसा माना नहीं जाता है। अगर सरकार बचने के लिए यह कहती है कि भर्ती प्रक्रिया परीक्षा के पश्चात से शुरू हुई है तो यह गलत होगा, क्योंकि विज्ञापन दो जगह प्रक्रिया के अगले चरण के शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब इसे तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। अब निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज इतना सब कुछ देखने के बाद अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है वो समझ लेते हैं। अब जबकि मामला न्यायालय में है, इलाहाबाद तथा लखनऊ दोनों उच्च न्यायालय की तरफ से लंबी सुनवाई के पश्चात परीक्षा परिणाम की रोक लगाई जा चुकी है, इससे स्पष्ट है कि मामला अत्यंत गंभीर है। पूरी सुनवाई के सारे बिंदु यह हैं कि कट ऑफ विज्ञापन में मेंशन नहीं की गई थी। उल्लेखनीय है कि विगत भर्ती 68,500 की न्यायालय विचाराधीन में, भले ही नियुक्ति पत्र मिल चुका है, ऐसे में न्यायालय 68,500 और 69,000 के लिए अलग अलग निर्णय नहीं दे सकता। अगर 69,000 में 65% कट ऑफ स्वीकार किया जाता है तो 68,500 भर्ती के कट ऑफ में 45 से घटकर 33% करना पड़ेगा। ये दोनों भर्तियां उच्चतम न्यायालय जाती हैं, तो शिव प्रकाश पाठक का जो मामला संविधान पीठ में लंबित है, उसके निर्णय के पश्चात ही इन भर्तियों का विवाद सुलझेगा। दोनों भर्तियों में कट ऑफ का परिवर्तन और विज्ञापन में अस्पष्टता के चलते सरकार कैची संकट में पड़ गई है, और जिसमें दोनों विज्ञापनों के लिए एक ही निर्णय होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। पेपर लीक का प्रकरण की जांच करने वाले क्या सच में राजनीति कर रहे हैं? बिकॉज काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि वो राजनीति हो रही है, सरकार का भी यही कहना है कि उस पर राजनीति की जा रही है। तो चलिए इसको भी एक पॉइंट को समझने की कोशिश कर रहे थे, बिकॉज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सबको समझाने की कोशिश करूँगा। तो वर्तमान सरकार में बीएड वालों को प्राथमिक शिक्षा के लिए 2011 के पश्चात अनुमति दिलवाई गई। बोर्ड परीक्षा के झूठे अंकों के आधार पर नौकरी देने की प्रथा की जगह परीक्षा प्रणाली को सूत्रपात किया। अगला देखते हैं, पिछली सरकार में एक भर्ती की काउंसलिंग 4 से 5 वर्षों तक चला करती थी, किंतु वर्तमान में प्रयासों में 2 से 3 महीनों के अंदर नियुक्ति पाना संभव हो सका। परीक्षा में धांधली करने वालों की इतनी त्वरित कार्यवाही करते हुए इतनी गिरफ्तारियां की गईं, इन संपूर्ण प्रयासों की हम प्रशंसा करते हैं, किंतु अलग अलग प्रश्न पर तो उत्तर कुंजी ही हो गई, तो इन सभी प्रयासों की सार्थकता क्या रह गई? क्योंकि चैन की शक्ति शिक्षा माफियों और बाजारवादी शक्तियों के हाथ में केंद्रित हो गया। प्रश्नपत्र लीक प्रकरण पर कोई निर्णय सरकार का न्यायालय ही ले सकती है। ऐसे में आहत अभ्यर्थियों के पास सरकार और न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाने के सिवाय कुछ भी शेष नहीं रह जाता। धरना प्रदर्शन और आंदोलन करना सरकार तक अपनी मांगों को पहुँचाने का जरिया है, किंतु बाजारवादी शक्तियाँ उसे सरकार विरोधी ढंग देने की में लगी हुई हैं। पेपर लीक के प्रकरण में संबंध में सत्ताधारी दल और विपक्षी दल दोनों ही मौन धारण किए हुए हैं, क्योंकि यह छात्रों के हित से जुड़ा मामला है। छात्र संगठन, किसान संगठन, कर्मचारी संगठन, जो एक कर्म आधारित संगठन है, उनकी मांग देश और प्रदेश की राजनीति में कभी उचित स्थान नहीं पाती है। जाति और धर्म आधारित संगठनों की बातों को और क्रियाकलापों के हिंदुस्तान की राजनीति में लगातार वरीयता मिलती रही है। ऐसे में इस मामले में नकल माफियों द्वारा आंदोलन छात्रों पर राजनीति के आरोप बेबुनियाद है। ऐसे में हमें अपने भविष्य के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हमारा अंतिम शरणदाता न्यायालय तो है ही। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं कहने वाला। मैं आप लोगों को इसमें ये नहीं कहूँगा कि आप लोग जाकर कि आप सरकार के अगेंस्ट हो जाइए। जो आपके मतलब राइट्स हैं, जो आपके ह्यूमन राइट्स हैं दोस्तों, उनका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज आपके सामने सारा आंकड़ा मैंने रखा है। जो भी आंकड़े मैंने रखे हुए हैं दोस्तों, ये आंकड़े आप लोगों को सुनने में लगेंगे कि यार ठीक है, सच है, लेकिन इन आंकड़ों के अंदर उतनी ही सच्चाई है जितना दोस्तों मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। आप लोग जब दोस्तों रिजल्ट आएगा, जब लोग आप लोगों के हाथ में नियुक्ति पत्र मिलेगा या किसी के हाथ में नहीं मिलेगा, तब उसको इस आंकड़ों के बारे में पूरी तरह से नॉलेज हो जाएगी। सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।